मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वायदा किया था तेलंगाना के लोगों को, सोनिया गांधी जी ने, कि आपको स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बना के दूंगी। उन्होंने करके दिया और आज उनका नाम भी कोई याद नहीं करता उधर के लोग। कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है, लेकिन जो फायदा उठा रहे हैं आज उनके जबान से सोनिया गांधी का नाम नहीं आता। और सोनिया गांधी अगर नहीं इसको मानती तो क्या इनके वोट थे क्या? क्या इनके पास 2/3 वोट चंद्रशेखर के पास या दूसरे उनके कोई साथी के पास थे? कुछ नहीं। लेकिन जो आदमी, जो पार्टी उनके लिए, सारे जनता के लिए की है, याद तो करो जो त्याग करके। और बहुत से लोग नाराज थे कि जो ये नहीं करना बोल के, लेकिन उनकी नाराजगी को अलग रख कर सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाया। तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पे कौन बैठे? जो आदमी तेलंगाना बनाने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अब ऐसा तो एजिटेशन पूरे तेलंगाना में बहुत लोग की है, बहुत लोग गोलियां खाई, लाठी खाए, मरे। उनके वजह से आखिरी में सोनिया गांधी जी ने मानकर ये तुम्हारे को आज तेलंगाना मिला है। तो इसका फायदा जनता की भलाई करने के बजाय सब लोग लूटते जा रहे हैं। अब इरिगेशन में लूटना, सैंड में लूटना, माइनिंग में लूटना, कोयले में लूटना, कितने लूट करने के लिए आप तेलंगाना लिए? क्या तेलंगाना को समृद्ध बनाने के लिए आप अलग राज्य बनाए? मुझे बोलिए। तो ये सब सिर्फ चंद लोगों के लिए तेलंगाना का बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए हम वायदा करते हैं, जो ये बैकवर्ड क्लास डिक्लेरेशन, दलित डिक्लेरेशन, ये डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट, ये सारी चीजें तो इसमें हैं, लेकिन हम 6 गारंटी आपको दे रहे हैं। जैसा कर्नाटक में हम 5 गारंटी देकर और वहां के जनता को आज 5 के 5 गारंटी का जो डेट दिए थे, आज वो इंप्लीमेंट हो रहा है। चंद लोग बोलते हैं, अरे जाके देखो कर्नाटक वाले इतना दिए क्या मिला? अरे सब मिल रहा है, आप झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा ही तेलंगाना में, कांग्रेस के राज्य में 6 गारंटी हम जो दे रहे हैं वो बराबर हम इंप्लीमेंट करेंगे। और हमारा पहला लक्ष्य है मां लक्ष्मी योजना। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस यहां पर भी, ये है पहला। रैतु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, खेतिहर मजदूरों को
12,000 रुपए, धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, ये भी हम करेंगे रैत के लिए। गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। इंदिरा अम्मा इंदलू घर बनाने के लिए 5,00,000 रुपए की सहायता। तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 वर्ग गज जमीन, ये जो है घर के लिए, उनको ये जमीन भी दिया जाएगा और घर बनाने के लिए जनरल 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथा वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन। राजीव आरोग्य श्री में 10,00,000 तक का स्वास्थ्य बीमा। युवा विकासम, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5,00,000 की मदद। हर मंडल में बनेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल्स और स्कूल्स बनेंगे। ये 6 गारंटी हमारे जो है ये आपको दे रहे हैं हम, और इसको पहले ही कैबिनेट में चुन के आने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक एक करके 100 दिन में ये पूरा करेंगे। अब तीसरा, एम्प्लॉयमेंट। कांग्रेस पार्टी एक जॉब चार्ट बनाई है, कैलेंडर। क्या है कि जो भी हम 2,00,000 नौकरियां देने की बात की है, इस 2,00,000 नौकरियां उसका नोटिफिकेशन होगा। ग्रुप 1 अपॉइंटमेंट्स, उसका जो नोटिफिकेशन होगा 1st 2, 2024, यानी 1 फरवरी को ये नोटिफिकेशन होगा। ग्रुप 2 अपॉइंटमेंट्स, फेज 1 1/4/2024 और फेज 2 15/12/2024, यानी ये दूसरा हमारा नोटिफिकेशन। तीसरा नोटिफिकेशन, ग्रुप 3 अपॉइंटमेंट्स, 1/6/2024 और फेज 2 1/12/2024। ग्रुप 4 अपॉइंटमेंट्स, जूनियर असिस्टेंट, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर्स, डाटा एंट्री असिस्टेंट्स, ये सारी चीजें हैं। इसको फेज 1 1/6/2024, फेज 2 1/12/2024, ये ग्रुप 4 अपॉइंटमेंट का डेट और नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं। 5 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एटसेट्रा, ये 1/5/2024। और 6 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, वेटरनरी ऑफिसर्स, वो भी 1/5/2024, ये हम करेंगे। ये डेट के साथ हम वायदा कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ये देरी नहीं करेंगी। जब हमने डेट के साथ इस नोटिफिकेशन का आपके सामने रख रहे हैं और इस हमारे तेलंगाना के जनता के सामने हम रख रहे हैं, तो इसको हम कटिबद्ध है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। हम बराबर जैसा बोलते हैं वैसा हम चलेंगे। चंद लोग भड़काते हैं, उस भड़काव में मत आओ। सभी हम मिलके एक होकर तेलंगाना को बढ़ेंगे, हमने तेलंगाना में प्रोग्रेस करेंगे। तेलंगाना को प्रोग्रेस अगर हुआ,
हैदराबाद अगर प्रोग्रेस हुआ तो सबको फायदा होता है, हर जिले में फायदा होता है। तो ये मैं इस वक्त कह के, इस मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा बना और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लोग तैयार है। और मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि जो वायदे हम किए हैं उसको कायम, उस पर कायम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, सबके लिए ये अच्छा होगा। इसीलिए हाथ के जो चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह को सभी ने वोट देंगे ऐसा मेरा मानना है। ये अभय हस्तम सबके लिए ये है काम करने का, तो इसीलिए सबको धन्यवाद, नमस्कार। और सभी भाइयों को मेरा थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you.